गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर ऑफ केमिकल रिएक्टर सेफ्टी। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि केमिकल रिएक्टर में अगर हम सेफ्टी की बात करते हैं तो सेफ्टी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें लगी हुई रहती हैं। लाइक उसमें अगर कुछ इनकमिंग लाइन्स हैं तो उसमें सेफ्टी के लिए हम क्या ध्यान देंगे, रिएक्टर की इंडिविजुअल सेफ्टी के लिए हम क्या क्या लगाते हैं, आफ्टर दैट रिएक्टर्स की सेलेक्शन जब हम करते हैं तो उसमें सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम किन किन चीज़ों का ध्यान देते हैं। फ्रेंड्स, केमिकल रिएक्टर्स से रिलेटेड मेरे कुछ और वीडियोस हैं जिसमें बेसिकली इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं केमिकल रिएक्टर्स यूटिलिटी, केमिकल रिएक्टर जैकेट्स, केमिकल रिएक्टर एमओसीज, पार्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्टर, टाइप्स ऑफ अ केमिकल रिएक्टर एंड ग्लास लाइंड रिएक्टर्स। फ्रेंड, ये सारे के सारे केमिकल रिएक्टर्स के बारे में अलग अलग चीज़ों पे, अलग अलग टॉपिक्स पे डिटेल में डिस्कशन है। सो फ्रेंड्स, मैं ये सारे लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, तो अगर आपको और ज्यादा डिस्क्रिप्शन अलग अलग टॉपिक्स पे चाहिए तो आप इन टॉपिक्स के थ्रू देख सकते हो। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा पॉसिबल है उतना ज्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर हम केमिकल रिएक्टर सेफ्टी की बात करते हैं तो फ्रेंड्स इसमें पहला पॉइंट आता है आपका डिजाइन और सेलेक्शन का जो एस्पेक्ट होता है, वहां पर हम किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं। सेकेंड फ्रेंड्स, इसमें बेसिकली आपका डिप पाइप दिया रहता है सेफ्टी के लिए। अर्थिंग जंपर्स, जो भी इनकमिंग लाइंस रहती हैं उसमें अर्थिंग जंपर्स दिए रहते हैं। आफ्टर दैट फ्लैंज गार्ड्स, जो भी आपकी लाइंस रहती हैं उनमें फ्लैंज गार्ड्स प्रोवाइडेड रहते हैं फॉर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। जो आपका रिएक्टर होता है उसमें बेसिकली अर्थिंग स्ट्रिप्स लगाई जाती हैं सेफ्टी के लिए। रप्चर डिस्क आपकी दी हुई रहती है। PSV या फिर PRV आपका दिया हुआ रहता है और इसके साथ में आपका फ्लेम अरेस्टर्स भी रहते हैं केमिकल रिएक्टर में। एज अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इतनी सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करता हूं, डिजाइन, सिलेक्शन एस्पेक्ट, डिप पाइप, अर्थिंग जंपर्स, फ्लैंज गार्ड, अर्थिंग स्ट्रिप, रप्चर डिस्क, PSV या फिर PRV और फ्लेम अरेस्टर्स, इतनी सारी चीजें फ्रेंड्स एक केमिकल रिएक्टर से की सेफ्टी से रिलेटेड एसोसिएटेड होती हैं, जिनका नॉलेज आपको एटलीस्ट होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। सो फ्रेंड्स, हर एक के बारे में मैं आगे की स्लाइड्स में आपको डिटेल में कवर करता हुआ चलूंगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं बेसिकली स्लाइड में हम डिजाइन एंड सिलेक्शन एस्पेक्ट्स क्या होते हैं एक रिएक्टर के। सो फ्रेंड्स, एक टर्म होता है मैक्सिमम अलाउएबल वर्किंग प्रेशर, MAWP। फ्रेंड्स, ये वो प्रेशर होता है, ये वो मैक्सिमम प्रेशर होता है जो आपका जो रिएक्टर है उसका जो वीकेस्ट कंपोनेंट है वो होल्ड कर सकता है। अगर आप इसके ऊपर जाते हैं फ्रेंड्स तो आपका जो रिएक्टर है वो बेसिकली उस जगह से आपका लीकेज कर देगा। फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करता हूं, मैक्सिमम अलाउएबल वर्किंग प्रेशर इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम प्रेशर बेस्ड ऑन द डिजाइन कोर्स दैट द वीकेस्ट कंपोनेंट ऑफ द प्रेशर वेसल कैन हैंडल। फ्रेंड्स, ये वो मैक्सिमम प्रेशर होता है जो आपका जो रिएक्टर है उसका वीकेस्ट कंपोनेंट आपका हैंडल कर सकता है। अगर आप इसके ऊपर जाते हैं तो आपका रिएक्टर वहां से डैमेज हो जाएगा। ये प्रेशर आपका फ्रेंड्स जो भी प्रेशर इक्विपमेंट्स होते हैं उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है और ऑपरेशन करते टाइम आपको कभी भी इस प्रेशर को एक्सीड नहीं करना है। फ्रेंड्स, एक सेकेंड टर्म होता है आपका डिजाइन प्रेशर। फ्रेंड्स, डिजाइन प्रेशर ये वो मैक्सिमम प्रेशर होता है जो आप किसी भी सिस्टम को एक्सपोज कर सकते हो। ये जो प्रेशर होता है फ्रेंड्स ये हमेशा मैक्सिमम अलाउएबल वर्किंग प्रेशर से कम होता है। फ्रेंड्स, कंपनी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपका 10% से 25% जो आपका ऑपरेटिंग प्रेशर होता है उससे आपका डिजाइन प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है। ये डिपेंड करता है आपके कंपनी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करता हूं, एक्चुअली जो आपका मैक्सिमम अलाउएबल वर्किंग प्रेशर होता है ये हमेशा डिजाइन प्रेशर से आपका ज्यादा होता है। रीजन फ्रेंड्स ये होता है कि आपका रिएक्टर डिजाइन तो कर रहे हो आप डिजाइन प्रेशर पे, लेकिन होता क्या, जो सीड्स आपने यूज किए हैं उन सीड्स की थिकनेस स्टैंडर्ड होती है, जिसकी वजह से जो मैक्सिमम अलाउएबल वर्किंग प्रेशर है वो हमेशा हमें डिजाइन प्रेशर से ज्यादा ही मिलता है। एक थर्ड फ्रेंड्स यहां पे आता है ऑपरेटिंग प्रेशर। फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग प्रेशर बेसिकली वो मैक्सिमम प्रेशर होता है जो जब आप उस रिएक्टर को ऑपरेट करते हो तो उसके अंदर जो भी आप रिएक्शन कंडीशंस मेंटेन करके चलते हो तो ये मैक्सिमम प्रेशर आपके रिएक्टर को उस टाइम मिलेगा जब वो ऑपरेशन में होगा। सो फ्रेंड्स, वो होता है बेसिकली आपका ऑपरेटिंग प्रेशर। नाउ फ्रेंड्स, डिजाइन एंड सिलेक्शन एस्पेक्ट्स में जो आपके रिएक्टर का डिजाइन प्रेशर है ये बेसिकली हम सेलेक्ट करते हैं 1.5 टाइम्स द ऑपरेटिंग प्रेशर। फ्रेंड्स, जो भी मैं अंदर रिएक्शंस करवा रहा हूं, जो भी मेरा ऑपरेटिंग प्रेशर है, जो डिजाइन प्रेशर है, वो एटलीस्ट उसका 1.5 टाइम्स ऑपरेटिंग प्रेशर का होना चाहिए। और अगर आपको अपने रिएक्टर को बेसिकली वैक्यूम एप्लीकेशंस के लिए यूज करना है तो आपको डिजाइन डाटा चेक करना पड़ेगा कि आपका जो रिएक्टर है वो फुल वैक्यूम के लिए डिजाइंड है या फिर नहीं है। अदरवाइज जब आप ऑपरेट करने जाओगे तो आपका रिएक्टर पिचक भी सकता है। अगर मैं अगले एस्पेक्ट की बात करता हूं फ्रेंड्स, तो वो आता है बेसिकली मेरा मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। जैसा कि मैं फ्रेंड्स आपको पहले भी बता चुका हूं अपने मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन के लेक्चर में कि मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन काफी चीजों को देख के लिया जाता है, लाइक सेफ्टी मेरी कैसी रहेगी अगर मैं उसे यूज करता हूं, स्ट्रेंथ मेरे को कैसे मिलेगी, मैकेनिकली थर्मली शॉक तो नहीं होगा, कोरोजन से रेजिस्टेंस है या फिर नहीं है, ऑपरेटिंग लाइफ मेरे को कितनी मिलने वाली है, अदर थिंग्स। जो वेरियस एमओसीज हैं फ्रेंड्स, वो है मेरे हेस्टेलॉ, इनकोनल, टिटेनियम, फ्रेंड्स मोनल एक्सेट्रा। इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मेरा सेपरेट लेक्चर है ऑन रिएक्टर्स मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शंस पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। सो जिसको भी मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन के सिलेक्शन के बारे में जानना है, प्लीज उस लेक्चर को जरूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। सो फ्रेंड्स, अब बेसिकली हम बात करते हैं डिप पाइप। फ्रेंड्स, डिप पाइप बेसिकली ये आप डायग्राम गौर से देखिए, ये बेसिकली डबल फ्लैंज पाइप रहते हैं। एक बड़ा फ्लैंज रहता है जो आपके रिएक्टर के ऊपर फिट रहता है और इसके अंदर से एक पतला सा पाइप गया होता है। फ्रेंड्स, इन डिप पाइप्स को आप इस डायग्राम को गौर से देखिए, ये बेसिकली आपके रिएक्टर के काफी बॉटम तक जाते हैं। फ्रेंड्स, इनका यूज बेसिकली इसलिए किया जाता है ताकि अगर कोई आपका फ्लेमेबल सॉल्वेंट है या फिर आपका मीन्स जो भी आपके सॉल्वेंट्स आप इसमें डालते हैं वो बेसिकली जब भी नीचे पड़े हुए मटेरियल में स्प्लैश करें या फिर रिएक्टर में गिरते हैं तो मिनिमम स्प्लैशिंग हो, मीन्स वो एकदम से छपाक करके ऊपर से गिरे नहीं, वो इजिली आए और आपके मटेरियल के साथ में मिक्स हो जाए ताकि मिनिमम वहां पे आपका मीन्स फ्रिक्शनल जो फ्रिक्शन फोर्सेस हैं वो दो लिक्विड्स के बीच में मिनिमम लगे ताकि आपके स्टैटिक चार्ज डेवलप होने के चांसेस आपके कम से कम हो जाए। बिकॉज आपकी जो फायर होती है वो मैक्सिमम आपकी स्टैटिक चार्जेस की वजह से ही होती है। सो फ्रेंड्स, ये बेसिकली डिप पाइप का रोल होता है, स्प्लैशिंग को कम करना जिसकी वजह से हमारा स्टैटिक चार्ज एक्यूमुलेशन के चांसेस या फिर स्टैटिक चार्ज जनरेशन के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिकली अर्थिंग जंपर्स के बारे में। फ्रेंड्स, ये आप देखिए इस तरीके की कनेक्टिंग स्ट्रिप रहती है या तो इस तरीके की आपकी कनेक्टिंग स्ट्रिप रहती है और इसको किसी भी पाइपलाइन के अक्रॉस इस तरीके से लगाया जाता है। फ्रेंड्स, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं अपने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर में, जिसने भी वो लेक्चर मिस किया है उसे जरूर देखिएगा कि बेसिकली होता क्या है। जब दो पाइप्स के बीच में आप कोई गैस्केट फिट करते हैं तो उन पाइप्स के बीच में आपकी जो कनेक्टिविटी है, मीन्स पाइप्स आपके कंडक्टिव नेचर के होंगे, लेकिन जो आपने गैस्केट डाला वो बेसिकली नॉन कंडक्टिव नेचर की होती है, तो उन पाइप्स के बीच में आपकी कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है। तो जो भी पाइप और सॉल्वेंट के बीच में फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से आपकी स्टैटिक चार्ज डेवलप हुए, वो चार्ज आपके रिलीज नहीं हो पाते हैं, तो फ्रेंड्स आपकी फायर लगने के चांसेस होते हैं। तो ये बेसिकली आपके दो पाइप्स के बीच में कनेक्टिविटी को मेंटेन करता है। फ्रेंड्स, दोबारा समझिएगा, अर्थिंग जंपर्स आपके दो जो पाइप्स होते हैं उनके बीच में कनेक्टिविटी को मेंटेन करता है ताकि आपके किसी पाइप के किसी भी पोर्शन में स्टैटिक चार्ज ना डेवलप हो पाए। बिकॉज जब भी सॉल्वेंट आपका पाइप में मूव करता है हमेशा स्टैटिक चार्ज आपका डेवलप होता है, एंड फ्रेंड्स स्टैटिक चार्ज डेवलप होने की वजह से आपकी फायर लगने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। सो फ्रेंड्स, इससे बचने के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं अर्थिंग जंपर्स का। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इस स्लाइड में बेसिकली हम बात करते हैं फ्लैंज गार्ड्स का। फ्रेंड्स, जो भी आपके रिएक्टर में आने वाली लाइन्स होती हैं उनमें आपने जो भी लाइन्स में आप काफी ज्यादा एसिडिक या फिर काफी ज्यादा आपका बेसिक मटेरियल आप ट्रांसफर करते हो तो उनमें आपने देखा होगा कि बेसिकली फ्लैंज गार्ड्स आप जरूर लगाते हैं। फ्रेंड्स, फ्लैंज गार्ड्स लगाने का मेन पर्पज ये रहता है बिकॉज कई बार आपका ऐसा रहता है कि गैस्केट की लाइफ खत्म हो जाती है, आपको पता नहीं होता है, आप ट्रांसफरिंग कर रहे हो और एकदम से आपकी गैस्केट फट गई, या फिर कई बार मिस ऑपरेशन हुआ और फ्लैंज से आपका लीकेज हो गया। तो फ्रेंड्स, इन दैट केस अगर आपने फ्लैंज गार्ड्स नहीं लगा रखे हैं तो जैसे ही आपकी गैस्केट फटी वो मटेरियल आपका, मान लीजिए आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, तो वो मटेरियल आपका स्प्लैश करके अगर आजू बाजू में कोई भी आपका ऑपरेटर काम कर रहा है तो वो उसके ऊपर गिर सकता है और एक बड़ा एक्सीडेंट करा सकता है। सो फ्रेंड्स, उन एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए बेसिकली जो भी आपके काफी ज्यादा हैजार्डियस केमिकल्स होते हैं उनमें हम फ्लैंज गार्ड्स का यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, होप आपको फ्लैंज गार्ड का यूज बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि फ्लैंज गार्ड्स का यूज क्यों करते हैं। फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आपको डिटेल लेक्चर में समझाऊंगा, सो इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमारा आता है बेसिकली अर्थिंग स्ट्रिप। फ्रेंड्स, ये जो अर्थिंग स्ट्रिप रहती है, बेसिकली रिएक्टर्स में हम अलग अलग तरीके के रॉ मटेरियल्स चार्ज करते हैं, जिसमें कुछ सॉल्वेंट्स होते हैं, कुछ आपका दूसरे तरीके के मटेरियल्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, मैक्सिमम चांसेस ये रहते हैं कि आपका जो रिएक्टर है उसमें स्टैटिक चार्ज कहीं ना कहीं से आपका एक्यूमुलेट हो सकता है। सो फ्रेंड्स, इससे बचने के लिए हम जो हमारे रिएक्टर्स होते हैं उनको बेसिकली अर्थिंग करते हैं। इस अर्थिंग स्ट्रिप की हेल्प से हम अपने रिएक्टर्स को बेसिकली ग्राउंड कर देते हैं, ताकि जो भी स्टैटिक चार्ज डेवलप हो वो मेरा अर्थ में ट्रांसफर हो जाए। सो फ्रेंड्स, आजकल सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि मैक्सिमम काफी इंडस्ट्रीज रिएक्टर्स में डबल अर्थिंग का प्रोविजन करती है, ताकि अगर गलती से भी एक अर्थिंग आपकी फेल कर जाए तो आपकी सेकंड अर्थिंग की हेल्प से आपका जो स्टैटिक चार्ज डेवलप हो वो बेसिकली डिसिपिएट हो जाए। सो फ्रेंड्स, अर्थिंग स्ट्रिप्स आर बेसिकली यूज्ड फॉर ग्राउंडिंग ऑफ रिएक्टर्स, ताकि और रिएक्टर्स, वेसल्स, हीट एक्सचेंजर्स, एवरीथिंग, ताकि गलती से भी आपका किसी भी जगह स्टैटिक चार्ज एक्यूमुलेट होने का चांस जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट बेसिकली हम बात करते हैं आपका रप्चर डिस्क की। फ्रेंड्स, रप्चर डिस्क के केस में आप ये देखिए, इस तरीके की एक डिस्क लगी रहती है, जो आपका ऊपर और नीचे आपके दो होल्डर्स रहते हैं, डिस्क होल्डर्स, उसके बीच में डिस्क लगी रहती है। फ्रेंड्स, इस रप्चर डिस्क का काम बेसिकली क्या रहता है, ये आपके रिएक्टर की सेफ्टी के लिए रहती है, ताकि गलती से भी आपका रिएक्टर ना डैमेज हो। अगर कभी कोई ऐसी कंडीशन आती है किसी भी रिएक्शन के टाइम जो कि आपका रिएक्टर जो है वो आपके ऑपरेटिंग प्रेशर से ऊपर ऑपरेट करने लगता है, सो फ्रेंड्स, इन दैट केस कभी भी आपका रिएक्टर डैमेज नहीं होना चाहिए। ये काम होता है आपका रप्चर डिस्क का। रप्चर डिस्क में बेसिकली फ्रेंड्स अंदर ये डिस्क होती है, इसकी थिकनेस फ्रेंड्स 0.002 से 0.060 इंच के बीच में आपकी होती है। सो फ्रेंड्स, होता क्या है कि अगर कभी भी आपका जो भी रिएक्टर अगर ओवर प्रेशराइज होता है, इन दैट केस ये डिस्क आपकी बेसिकली फट जाती है और जो भी मटेरियल अंदर होता है वो आपका बाहर रिलीज हो जाता है। फ्रेंड्स, ये डिस्क आपकी नॉन रिक्लोजिंग डिस्क है। अगर ये डिस्क एक बार फट गई तो फिर आपको ये पूरी की पूरी डिस्क निकाल के दोबारा नई डिस्क के साथ में उसको रिप्लेस करना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, जो इसकी प्रेशर सेटिंग्स होती है वो बेसिकली 10% अबव रखा जाता है डिजाइन प्रेशर के। जो भी आपके रिएक्टर का डिजाइन प्रेशर है उससे 10% ऊपर रखा जाता है, या फिर 20% अबव द ऑपरेटिंग प्रेशर, इसका हम सेट पॉइंट रखते हैं, या इसका हम सिलेक्शन बेसिकली इस बेसिस पे करते हैं। सो फ्रेंड्स, रप्चर डिस्क इज बेसिकली फॉर द सेफ्टी ऑफ द रिएक्टर। अगर गलती से भी आपका जो रिएक्शन है वो आपके डिजायर्ड ऑपरेटिंग प्रेशर से ऊपर की तरफ जाता है, तो रिएक्टर की सेफ्टी के लिए बेसिकली रप्चर डिस्क यूज की जाती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम बेसिकली बात करते हैं प्रेशर सेफ्टी वॉल्व या फिर प्रेशर रिलीफ वॉल्व। फ्रेंड्स, ये जितने भी आपके रिएक्टर्स हैं आपने सबके ऊपर ये लगा हुआ देखा होगा। इसको फ्रेंड्स प्रेशर सेफ्टी वॉल्व भी बोलते हैं या फिर प्रेशर रिलीफ वॉल्व भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, प्रेशर रिलीफ वॉल्व इसको बेसिकली तब बोलते हैं जब इसका जो वेंट है वो हम बेसिकली आपका यहाँ से मीन्स एक जो रिएक्टर आपका प्रेशराइज हुआ वो वेंट वहां से उठा के हम और किसी सेफ वेसल में डाल देते हैं। सो इन दैट केस हम उसको बोलते हैं प्रेशर रिलीफ वॉल्व। एंड फ्रेंड्स, प्रेशर सेफ्टी वॉल्व बेसिकली तब बोलते हैं जब इसके वेंट को हम आपका एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। सो फ्रेंड्स, बेसिकली इसका काम भी सेम रहता है आपका रप्चर डिस्क के ही जैसे, कि अगर आपका रिएक्शन के अंदर आपके रिएक्टर के अंदर कोई भी रिएक्शन ऐसी होती है कि वो आपका जो ऑपरेटिंग प्रेशर है उससे ऊपर की तरफ जाने लगता है, तो इसका सेट पॉइंट फ्रेंड्स इस तरीके से दिया जाता है कि आपका जो रिएक्टर है वो किसी भी हाल में डैमेज ना हो और आपका ये जो प्रेशर सेफ्टी वॉल्व या फिर प्रेशर रिलीफ वॉल्व लगा ये पॉपअप हो जाए और आपका जो भी मटेरियल अंदर है वो बाहर की तरफ रिलीज कर जाए। बिकॉज अगर आपका सिस्टम प्रेशराइज होगा तो ये सबसे वीकेस्ट, ये सबसे इजीएस्ट रूट मिलेगा आपके मटेरियल को बाहर की तरफ मूव करने के लिए। ये इसको हम बोलते हैं पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। सो फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करता हूं, अगर गलती से भी आपका जो अंदर का रिएक्टर के अंदर का मटेरियल है वो आपके ऑपरेटिंग प्रेशर से ऊपर की तरफ जाता है तो ये आपको सबसे लीस्ट रेजिस्टेंट पाथ मिलता है। फ्रेंड्स, इसमें बेसिकली आप देखिए ये स्प्रिंग लोडेड है, इसमें एक स्प्रिंग लगी हुई है, जैसे ही आपका मटेरियल आया ये स्प्रिंग ऊपर की तरफ मूव करेगी और आपका जो मटेरियल है ये बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं सेटिंग की, तो PSV/PRV की जो सेटिंग होती है ये फ्रेंड्स 21% ज्यादा रखी जाती है डिजाइन प्रेशर या फिर 11% ऊपर रखी जाती है आपके रप्चर डिस्क के प्रेशर से। सो फ्रेंड्स होप आपको पीएसवी पीआरवी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात करते हैं बेसिकली फ्लेम अरेस्टर्स की। फ्रेंड्स ये आपने देखा होगा बेसिकली जितने भी जहां पे भी हम फ्लेमेबल केमिकल्स यूज करते हैं सबके वेंट्स में बेसिकली हम फ्लेम अरेस्टर्स लगाते हैं। फ्रेंड्स जो फ्लेम अरेस्टर्स होते हैं इट इज अ डिवाइस फिटेड टू द ओपनिंग ऑफ एन एनक्लोजर टू द कनेक्टिंग पाइप इन अ सिस्टम। इसका काम ये रहता है कि ये खाली गैसेस और लिक्विड्स को ही पास होने देता है, बट ये किसी भी फ्लेम को अपने थ्रू पास नहीं होने देता है। फ्रेंड्स दोबारा रिपीट करता हूं, फ्लेम अरेस्टर्स को लाइन के बीच में भी लगाया जाता है और बेसिकली आपके एंड में भी लगाया जाता है वेंट से पहले। इसका बेसिकली रोल ये रहता है कि फ्रेंड्स ये खाली आपका गैसेज और लिक्विड को ही अपने से पास होने देता है और कभी भी ये फ्लेम को अपने से पास नहीं होने देता है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स ये बड़ी फायर या फिर एक्सप्लोजन को हमेशा रोकता है। फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं यूजेस ऑफ फ्लेम अरेस्टर्स की तो बेसिकली इसके जो मेन रूल्स है वो है स्टॉपिंग द स्प्रेड ऑफ एन ओपन फायर, ये ओपन फायर को फैलने से रोकता है, ये लिमिट करता है द स्प्रेड ऑफ ऑलरेडी ऑकर्ड एक्सप्लोजन, अगर कहीं पे ऑलरेडी फायर हो गई है तो ये उसको भी रोकता है, इट प्रिवेंट्स द पोटेंशियल एक्सप्लोजिव मिक्सचर फ्रॉम इग्नाइटिंग, ये जो भी मेरा एक्सप्लोजिव मिक्सचर है ये उसको इग्नाइट होने से रोकता है, कन्फाइनिंग फायर विद इन अ कंट्रोल्ड लोकेशन, ये फायर को एक कंट्रोल्ड लोकेशन के अंदर ही कन्फाइंड करता है। सो फ्रेंड्स होप आपको फ्लेम अरेस्टर भी क्लियर हो गया होगा। मैं सेपरेट लेक्चर्स में इसमें जितनी भी चीजें मैंने कवर की हैं लाइक फ्लेम अरेस्टर हो गया आपका, पीछे जो भी टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं लाइक आपका रप्चर डिस्क हो गया, इन सबको मैं डिटेल में 1 by 1 करके सेपरेट लेक्चर्स में कवर करूंगा। यहां जस्ट मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि कितने तरीके का आपका फ्लूइड फ्लो होता है। तो फ्रेंड्स कल के लेक्चर में बेसिकली हम ये समझेंगे कि फ्लूइड फ्लो जो आपका पाइप्स के थ्रू करता है वो कितने टाइप्स का हो सकता है। सो फ्रेंड्स टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।